नमस्कार, आप देख रहे हैं मोक्ष चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सबका दिल से स्वागत करती हूं। और आज के इस खास वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं माता लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी यानी कि दरिद्रता की पूरी कहानी लेकर कि अलक्ष्मी कौन थी, माता लक्ष्मी और अलक्ष्मी में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और अलक्ष्मी किन किन के घर जाती हैं तो उससे क्या होता है। दोस्तों, हमने देवी लक्ष्मी के बारे में तो बहुत कुछ जाना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि माता लक्ष्मी की एक बड़ी बहन अलक्ष्मी भी है? अगर नहीं तो चलिए आज हम इस बारे में जानते हैं। दोस्तों, भगवत महापुराण में समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी से पहली उनकी बड़ी बहन अलक्ष्मी निकली थी। कम ही लोग इस बारे में जानते हैं कि देवी लक्ष्मी की कोई बड़ी बहन भी है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है अलक्ष्मी। इसीलिए उन्होंने आसुरी शक्तियों का वरण किया और उनके बाद समुद्र से निकली लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को चुना। जहाँ देवी लक्ष्मी धन धान्य की देवी है, उनकी पूजा अर्चना करने से धन की प्राप्ति होती है, वहीं उसके विपरीत देवी अलक्ष्मी गरीबी और दरिद्रता की देवी हैं। हालांकि इन्हें समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों में से नहीं गिना जाता है। ग्रंथों में उल्लेख है कि एक महर्षि से इनका विवाह हुआ था, और वहीं लोक कथाओं के मुताबिक अगर माना जाए तो समुद्र मंथन के समय जब रत्न निकले तो इनके बीच कुछ उपरत्न आदि भी निकले, इन्हीं में से एक देवी अलक्ष्मी भी थी। कुछ मान्यताओं के अनुसार समुद्र से वारुणी यानी मदिरा लेकर निकलने वाली स्त्री ही अलक्ष्मी थी। मदिरा को भगवान विष्णु की अनुमति से दैत्यों को दे दिया गया। कुछ लोगों की मान्यताओं के मुताबिक अलक्ष्मी की उत्पत्ति भी समुद्र से ही हुई थी, इस कारण उन्हें लक्ष्मी की बड़ी बहन कहा जाता है। दोस्तों, मान्यता के अनुसार देवी लक्ष्मी की तरह ही अलक्ष्मी का उद्गम भी समुद्र में से ही हुआ था, जिसके कारण अलक्ष्मी को देवी लक्ष्मी की बड़ी बहन माना जाता है। देवी अलक्ष्मी का विवाह उद्धालक नाम के मुनि से हुआ था। जब मुनि देवी अलक्ष्मी को लेकर अपने आश्रम गए तो अलक्ष्मी ने उस आश्रम में प्रवेश करने से साफ इनकार कर दिया। फिर जब मुनि ने इसका कारण पूछा तो देवी अलक्ष्मी ने बताया कि वे कैसे घरों में निवास करती हैं और कैसे जगहों पर वे प्रवेश भी नहीं करती। देवी अलक्ष्मी के द्वारा बताई गई बातों से धन हानि के कारणों और उनसे बचाव के बारे में आसानी से जाना जा सकता है। दोस्तों, देवी अलक्ष्मी कहती हैं कि मैं सिर्फ उन्हीं घरों में जाती हूँ जो घर गंदे रहते हों, जहाँ के लोग हर समय लड़ाई झगड़ा करते रहते हों, जहाँ लोग गंदे कपड़े पहनते हों और जहाँ रहने वाले लोग अधर्म या गलत काम करते हों। जिन घरों में हमेशा साफ सफाई रहती है, यहाँ के लोग सुबह जल्दी उठते हों, रोज़ भगवान की पूजा अर्चना करते हों, साफ कपड़े पहनते हों, ऐसी जगहों पर देवी अलक्ष्मी प्रवेश नहीं कर पाती। ऐसे घरों में देवी लक्ष्मी का अधिकार होता है। मान्यता है कि देवी अलक्ष्मी को तीखी और खट्टी वस्तुएं बेहद पसंद है, और इसी वजह से घर या दुकान के बाहर नींबू मिर्ची टांगे जाते हैं। माना जाता है कि ऐसी वस्तुएं देवी अलक्ष्मी को प्रिय होने के कारण वे दरवाजे पर ही उनका भोज कर देती है और उस जगह पर अंदर प्रवेश करने की जगह दरवाजे से ही चली जाती है। जिन लोगों को देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने के बावजूद पैसों की हानि होती रहती है, ऐसे लोगों पर देवी अलक्ष्मी का प्रभाव होता है और वे लोग देवी अलक्ष्मी के द्वारा बताई गई बातों को ध्यान में रखकर उनसे और धन हानि से छुटकारा पा सकते हैं। वहीं ग्रंथों के अनुसार घर दुकान में कभी भी देवी लक्ष्मी की ऐसी मूर्ति या तस्वीर नहीं रखनी चाहिए जिसमें वे उल्लू पर बैठी हों। मान्यता है कि ऐसी लक्ष्मी चंचल स्वभाव की होती है और वे कभी भी एक जगह पर नहीं ठहरती। इसके अलावा देवी लक्ष्मी की खड़ी मूर्ति रखने से भी बचना चाहिए। घर दुकान में देवी लक्ष्मी की ऐसी तस्वीर या मूर्ति रखनी चाहिए जिसमें वो कमल के फूल पर बैठी हुई हो। लक्ष्मी जी की ऐसी तस्वीर धन लाभ के लिए शुभ मानी जाती है। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी को हमारी आज की ये खास वीडियो पसंद आई होगी, और इस खास वीडियो को देखने के बाद अब आप भी अपने घर से अलक्ष्मी को कैसे दूर रखना है और लक्ष्मी को कैसे पास, इसकी जानकारी आप तक पहुँच गई होगी। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताइएगा।